कंपनी जो है पावर सप्लाई में काम कर रहे हैं और प्लानिंग के तहत की जाती है। असल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को इसीलिए हमने वक्त दिया है कि उनको जो जो किसी के ऊपर कार्रवाई करना है वो कर लेवे, एक ही टाइम कर लेवे, एक गांव दो टुकड़ा, या कंपनी को शहर से निजात दे या तो शहर को निजात दिला दे। बहरहाल मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो इल्जाम लगाए पावर कंपनी के ताल्लुक से, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने बहुत सारे इल्जाम हम पर लगाए, आज मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। हमारा भी 28 तारीख को जुमा के दिन सलामताबाद चौक में हमारा भी जलसा है, उस जलसे के अंदर जो छछड़ इन्होंने किया आगरा रोड पर, जो छछड़ इन्होंने इस्लामपुरे में किया और जो छछड़ इन्होंने हबीब लॉन्स में किया, एक एक चीज का जवाब और करारा जवाब इंशाल्लाह मैं वहां पर दूंगा। पिछली कंपनी के खिलाफ पीछे भी आप बोले थे कि हम तांडव शुरू कर रहे हैं, फिर खामोश हो गए, फिर ये, फिर जब कंपनी आने लगी थी एक बहुत बड़ा मोर्चा मुशावरत चौक से निकाले थे, तसलसल से तहरीक नहीं चल रही। ऐसा है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हर वक्त हमारी तहरीक को डायनामाइट करने का काम करते हैं। मैं इससे पहले भी कहा, जब हम लोग लड़ाई करने जाते, देखो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो मामला है ये सियासत से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। तमाम ही पार्टियों को, तमाम ही तंजीमों को, तमाम ही शहर की आवाम को। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब जाके वहां टेबल पे काजू बादाम खा लेते हैं कंपनी के ऑफिस में, तो कंपनी कहां डरेगी? जब एमएलए उनके जेब में है, एमएलए उनकी ऑफिस में है, तो फिर कहां डरेगी? बहरहाल जितना भी आवाज उठाना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ही उठाया है और वक्त वक्त के ऊपर हम लोगों ने जाकर लड़ा है, आवाम के मसाइल ही हमल करते हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब कुछ नहीं करते और आज भी वो तहरीक को डायनामाइट करना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम उनको पूरा वक्त देते हैं, नवंबर तक वो करे और नहीं तो नवंबर के बाद हम लोगों की मुकम्मल तैयारी है, इस तरीके के एग्रीमेंट और सब पेपर वर्क शुरू है, हर तरीके से कंपनी को निपटने की तैयारी हमारी अपनी है। पावर कंपनी के लिए अलग से लड़ाई लड़ी जाएंगी और किमान वेतन का जो लेबर का मामला है क्या उसके लिए अलग है, दोनों मुद्दे साथ में लड़े जाएंगे? नहीं नहीं, बात ऐसी है, ये तहरीक का एक हिस्सा है, ये जो हम लेटर दे रहे हैं तहरीक का एक हिस्सा है। ऐसा है कि जब तक नाक नहीं दबाएंगे तो कोई मुंह नहीं खोलता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी उंगली करना पड़ता है। सिर्फ तहरीक का मतलब ये नहीं कि झंडा लेके रोड के ऊपर लिख ले, बल्कि कानूनी तौर पर कहां कहां हम उनको जाम कर सकते हैं, कहां कहां उनको तकलीफ दे सकते हैं, कहां अड़ी अड़चन में डाल सकते हैं और गवर्नमेंट को इनकी शिकायत कर सकते हैं जब ये एग्रीमेंट का उल्लंघन होगा और जब ही ये कंपनी ये शहर से जाएगी, इसके लिए इसका हिस्सा है, ये अलग अलग नहीं रहे। प्राइवेट कंपनियों के लिए पीएफ है, प्रोविडेंट फंड बिल्कुल है, तो वो 20 साल के लिए मानधन, अगर 11 महीने का एग्रीमेंट अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कॉर्पोरेशन पे मानधन पर भी लगाते हैं उनको भी पीएफ कंपलसरी है। एग्रीमेंट में उसका उल्लेख है लेबर, किमान वेतन अलग चीज है, ये पीएफ एक अलग चीज है, ये गवर्नमेंट के पास पैसा भरा जाता है। किमान वेतन ये एसआईओसी में ज्वाइंट होता है? नहीं, ये वो आप भी मजदूर लीडर है, डिपार्टमेंट की जो कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं और उसी के अंदर ये लोग कानूनी तौर पर फंसेंगे। मुफ्ती इस्माइल करने आए, वहां पहुंचे, फिर पुलिस स्टेशन गए, फिर वो बोले कि 353 बनाने से नहीं डरेंगे, तो इन सब मामला से लगता है क्या कि वो आपकी तहरीक डायनामाइट कर रही है या कोई और वजह है या आप तफसील ऐसा समझ में नहीं आ रही है? तहरीक इतनी बड़ी तहरीक मालेगांव बंद के ताल्लुक से और डायनामाइट कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल, तो जरा सा मैं खलील अब्बास साहब से ये जो सवाल किए बहुत अच्छा सवाल किए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उस दिन मुफ्ती इस्माइल साहब सिटी पुलिस स्टेशन में एसपी ऑफिस में गए, वहां पे पावर हाउस के लोग भी आए, एसपी साहब थे या नहीं थे ये उनको मालूम है खलील अब्बास साहब को, मैं इनसे पूछता हूँ कि उस दिन का नतीजा क्या हुआ, उस दिन निर्णय क्या हुआ, उस दिन फैसला क्या हुआ, जो लोगों का मीटर उस दिन निकला था उनका मीटर वापस लग गया क्या? क्योंकि मुफ्ती साहब तो यही बोल रहे थे पहले मीटर लगाओ उसके बाद बात करेंगे, तो उनके मीटर लग गए ये मैं खलील अब्बास साहब पेपर के माध्यम से ये आज के पेपर में ये लिखना चाहिए कि
कि उनका क्या हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, उस पर से पब्लिक समझ जाएगी किसने क्या मसला हल किया, किसने क्या बोला नहीं बोला। तहरीक डायनामाइट यही बोल रहे ना, यही उसका हल बता देना कि कुछ हल निकाले थे, अगर हल नहीं निकाले थे तो इसका मतलब तहरीक ही डायनामाइट सिर्फ कर रहे थे ना, हल निकाले होंगे तो फिर नहीं कर रहे थे। कंपनी उसी दिन बोल दी थी कि किलोमीटर नहीं लगेगा और आज तक नहीं लगा, नहीं लगा। दत्तनगर में और पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे बुजुर्ग गफारी मस्जिद के पास का जितना मीटर निकला था वो सबको उनके बिल दे दी गई, उनके मीटर आधे ज्यादा लग भी चुके। यहाँ का क्या हुआ वो बताना, आज की तारीख तक ना तो वहां का कोई बिल निकला ना तो वापस मीटर लगा, अगर लगा होगा, अगर उनका मीटर लग गया होगा, उनका मसला सॉल्व हो गया होगा तो शायद सही कर रहे थे, और नहीं तो फिर टांग अड़ाने का काम कर रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने ये बोल रहा हूँ, यानी ऐसा माना जाए कि अब मालेगांव बंद नवंबर के बाद रहेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस में। मुफ्ती इस्माइल साहब, हमारा ऐलान कब हुआ, 16 तारीख को, मुफ्ती साहब 17-18 तारीख को ये बात करते हैं, तो ये एक तरीके से, और उसके बाद जलसे के अंदर अलग अलग बात करते हैं, यानी एक पार्टी जो तहरीक चलाने के रास्ते पर जा रही है, शहर बंद करने के लिए जा रही है, मोर्चा निकालने के लिए जा रही है, तो मुफ्ती इस्माइल साहब एक पार्टी को निशाना बनाकर शहर को गुमराह करके सीधा सा मतलब है कि एक पार्टी ये तहरीक ना चलाए, वो क्रेडिट ना ले, तो ठीक है भाई, क्रेडिट का झगड़ा नहीं है, शहर के फायदे में अगर मुफ्ती इस्माइल साहब अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हम उनको टाइम दे रहे हैं। आज आप लोगों को इसलिए याद किया गया है, 2-3 रोज पहले मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने अपने एक जलसे में, अभी ब्लाउंस के अंदर उन्होंने तरह तरह की बातें की, लेकिन उन्होंने पावर बिजली कंपनी के ताल्लुक से भी शहर को गुमराह करने का काम किया। आप लोगों को पता है कि 16 अक्टूबर को इसी जगह पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, और दिवाली के बाद हम लोगों ने ये ऐलान किया था कि मालेगांव शहर बंद किया जाएगा और एक महामोर्चा निकाला जाएगा पावर कंपनी के खिलाफ में। ये तमामी अखबारात के अंदर भी खबर आई, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, और शहर की आवाम ने भी देखा, पढ़ा, सुना। लेकिन उसके दूसरे ही रोज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब इस्लामपुरे के अंदर बिजली कंपनी के कर्मचारी ऑफिसरान के साथ जो भी उनके वहां पर उनको बहस हुई, पुलिस स्टेशन में गए। खैर, अच्छा काम है, उनकी भी जिम्मेदारी करना चाहिए, लेकिन जलसे में तरह तरह के इल्जामात हम लोगों पर लगाए और शहर को गुमराह करने का काम उन्होंने किया। मेरा इल्जाम है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बिजली कंपनी से मिली भगत करते हुए हमारी तहरीक को डायनामाइट करने के लिए असल में दूसरे तीसरे दिन इस्लामपुरे के अंदर जाकर वो धड़के वहां बैठे और बहस की, और जो इल्जाम उन्होंने लगाए, तरह तरह के इल्जाम लगाए, वो भी एक हथकंडा इस्तेमाल किया गया। वो असल में हमारी अपनी तहरीक जो हम लोग ने ऐलान किया कि मजबूती के साथ एक शहर के अंदर कॉर्नर मीटिंग लेकर शहर के अंदर बेदारी पैदा करके हम लोग महा आंदोलन और शहर बंद करने वाले थे बिजली कंपनी के खिलाफ, तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने हमारी तहरीक को डायनामाइट करने का काम किया और एक अलग तरीके से माहौल पैदा करने का शहर के अंदर काम किया।
अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब तहरीक चलाना चाहते हैं तो आज हम लोग मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को नवंबर एंड तक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को वक्त देते हैं कि आप पावर बिजली कंपनी के खिलाफ पर रास्ते पे उतरो, शहर बंद करो, तहरीक चलाओ। अगर आप शहर का फायदा कर सकते हो, जो अत्याचार कंपनी कर रही है, जो नाइंसाफी शहर की आवाम के साथ कर रही है, जो जुल्म कर रही है कंपनी शहर की आवाम के साथ, चाहे बुनकर हो, छोटा मोटा धंधा करने वाले हो, चाहे घरगुती हो, तमाम ही लोगों के साथ जो अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है, अगर आप शहर को फायदा दे सकते हो, कंपनी से निजात दिला सकते हो, तो हम नवंबर एंड तक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के लिए टाइम देते हैं, वो तहरीक चलाए, वो शहर की आवाम को राहत देने का काम करे। बहरहाल हमारी अपनी तैयारी जारी रहेगी, हमारी तैयारी जारी रहेगी पावर बिजली कंपनी के खिलाफ में। हमारी मुकम्मल तैयारी हम लोग कर रखेगी, वो कानूनी भी और फील्ड के ऊपर भी, माहौल बनाने के लिए भी। मैं आपको जो बिजली कंपनी जब से आई, शहर के कोई भी सियासी पार्टी को या कोई भी शख्स को आज तक हुकूमत महाराष्ट्र से जो एग्रीमेंट हुआ उसकी कॉपी आज तक कंपनी ने नहीं दी और न शहर के आवाम को बताई। ये मेरे पास हुकूमत महाराष्ट्र के साथ जो कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है, ये उसकी कॉपी मैंने हासिल किया हूं, यह आपके सामने मैं बता रहा हूं। और अब इसके ऊपर हम लोग स्टडी करके जो जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी सहूलत देना, कैसी सहूलत कंपनी के जरिए शहर को देना, कैसे वसूल करना, मीटर निकालना नहीं निकालना, तमाम ही चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। हम इस एग्रीमेंट के आधार के ऊपर कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, हमारी तैयारी हम लोग शुरू रखेंगे। और अब इस एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग कंपनी से सवाल जवाब करने की शुरुआत हम लोग करेंगे ताकि शहर की आवाम को राहत मिले। दूसरी बात, पावर कंपनी से हमारे कई सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, महावितरण से हम लोग कई सवाल पूछ रहे हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो कर्मचारी का पीएफ काटती है, चाहे वो कॉरपोरेशन के कर्मचारी हो, चाहे मानधन के कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हो या नौकर हो, कानून है कि जितना पगार वो नौकर को होगा, जो कर्मचारी को होगा, उसके 2 या 5% पीएफ गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना ये जरूरी होता है। वो कर्मचारी, वो नौकर की तमाम ही मालूमात, उसका नाम, उसका पता कि हमारी कंपनी में फला फला आदमी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसकी पूरी मुकम्मल मालूमात उनको देना पड़ता है पीएफ कमिश्नर के पास, सीओ के पास, जो नासिक में इसका ऑफिस है। मेरा इल्जाम है कि पावर कंपनी जितने भी कर्मचारी का इस्तेमाल कर रही है वो रिकॉर्ड पर नहीं है, रिकॉर्ड पर नहीं है, पीएफ नहीं कट रहा है गवर्नमेंट के पास, वो कर्मचारियों की मालूमात जमा नहीं है। हम लोग प्राइवेट कंपनी को भी लेटर दे रहे हैं, हम लोग महावितरण कंपनी को भी, गवर्नमेंट को भी लेटर दे रहे हैं, और हम लोग पीएफ डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस है नासिक में, कल हमारा ये लेटर उनको भी जाएगा। हमने ये पूछा है कि देश भर के कौन कौन से राज्य के कर्मचारी मालेगांव शहर के अंदर काम कर रहे हैं कंपनी में। हमने दूसरा सवाल ये पूछा है कि महाराष्ट्र से कौन कौन से जिले के लोग मालेगांव शहर के अंदर काम कर रहे हैं कंपनी में। और तीसरा सवाल हमने ये पूछा है कि मालेगांव शहर और मालेगांव तालुके में के कितने कर्मचारी, कौन कौन व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी मालूमात हमने मांगी।
और उनके पूरे नाम पता और कितने लोग का पीएफ ये जमा करा रहे हैं और कितने लोग इलीगल तौर पर वो काम पर रखे हैं, ये गवर्नमेंट का भी नुकसान कर रहे हैं और कर्मचारियों का भी नुकसान कर रहे हैं। इस तरीके का फ्रॉड करने का काम ये कंपनी कर रही है, ऐसी मुकम्मल मालूमात हम लोग मांग रहे हैं। और ये मालूमात हमारे पास आ जाने के बाद मेरा जो मेरी मालूमात है कि कंपनी डायरेक्ट कोई भी कर्मचारी को पेमेंट नहीं देती, डायरेक्ट उनके पास उसकी लिस्ट और उसकी मालूमात नहीं होती। ये मेन कंपनी दूसरी कंपनी को टेंडर देती है या तीसरी कंपनी को टेंडर देती है, वो उसको पैसा देती है और वो सबको पगार देता है। यानी एक तरीके से कानून के खिलाफ ये पावर कंपनी काम कर रही है। हम लोग इसकी भी मालूमात ले रहे हैं, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और एग्रीमेंट के मुताबिक हमारी अपनी तैयारी नवंबर एंड तक हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन आज हमारा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हम वक्त देते हैं कि अगर शहर का फायदा आप करा सकते हो तो जरूर आप फायदा कराइए, आपको जितनी ताकत से लड़ना है लड़िए, शहर का फायदा होना हमारा ये मकसद है। हमने अगर ऐलान किया था शहर बंद करने का, हमने ऐलान किया था मोर्चा निकालने का, तो शहर के हित में शहर के आम को फायदा हो, जुल्मों के खिलाफ हमने ऐलान किया था। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब कंपनी से मिली भगत करके, मेरा इल्जाम है कि वो तहरीक को डायनामाइट कर रहे थे, इसके लिए आज हमने उनको वक्त दे दिया कि आप तहरीक चलाओ, हम नवंबर एंड तक देखेंगे कि आप शहर का क्या फायदा करने वाले हो, क्या कंपनी से निजात दिलाने वाले हो। आपके पास तो पावर है, आप तो असेंबली के नुमाइंदे हो, आपको तो असेंबली में बोल सकते हो, आपके पास तो इतने पावर है कि सीएम आपको बुलाता है, गाड़ी में बैठाता है। मैंने सुना हूं कि गाड़ी के अंदर आपको सीएम बैठा लेता है, तो फिर महाराष्ट्र से इससे बड़ा शख्स तो कोई हो ही नहीं सकता कि जिस शख्स सीएम जैसा शख्स महाराष्ट्र के सीएम एमएलए साहब को गाड़ी में बैठा रहे थे। यार इनके तो चुटकी बजाने का काम है, ये चुटकी बजा ले, सीएम पास जाए, कंपनी का एग्रीमेंट रद्द करवा दे, कंपनी पे कार्रवाई करवा ले, हम आपको नवंबर तक टाइम देते हैं, और नहीं तो अल्लाह के वास्ते कंपनी से मैनेज होकर आप ये शहर का नुकसान ना करें, और नहीं तो भी नवंबर के बाद हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जरिए जबरदस्त तहरीक चलाएंगे, तो कम से कम आप हमको वक्त दे देना। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। बाकी आपको कुछ सवाल करना है तो आप कर सकते।